हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे नेटकास्ट ऑन वेबटेक जोन। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ गूगल डेटा स्टूडियो। गूगल डेटा स्टूडियो क्यों यूज़ होता है, क्या उसका यूज़ है, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये हम सब सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी नए लोग हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों प्लीज़, आपके एक सब्सक्रिप्शन से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते वीडियो। यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा गूगल डेटा स्टूडियो, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। तो ये वाला आएगा डैश स्टूडियो गूगल। तो दोस्तों ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ। तो दिस इज़ डेटा स्टूडियो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये वाला मेरा ईमेल आईडी है जिससे मेरा लॉगिन है, ओके। यहाँ इस ईमेल आईडी में मैं अपना डेटा रिपोर्ट तैयार करूँगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट्स होते हैं, आपको कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आपको यू नो दिखेंगे, जैसे कि ACMU मार्केटिंग गूगल एनालिस्ट यू नो गूगल एनालिस्ट रिपोर्ट। दोस्तों बेसिकली जो डेटा स्टूडियो यूज़ होता है वो होता है गूगल एनालिस्ट के लिए, गूगल एड्स के लिए और सर्च कंसोल के लिए, मैक्सिमम उसके लिए यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक सैम्पल मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो एज अ टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो हम रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे विजुअलाइजेशन आप देख रहे हो कितना परफेक्ट है। आप बोलोगे अभी गूगल एनालिस्ट में भी रिपोर्ट होता है, उसमें भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रॉपर इसको प्रेजेंट कर सकते हो, इसको अपनी तरफ से विजुलाइज कर सकते हो, इसमें मैट्रिक्स डायमेंशन सब देख सकते हो। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है जब आप किसी क्लाइंट को, अपने क्लाइंट को या बॉस को रिपोर्ट भेजते हो, तो बहुत ही ये प्रोफेशनल तरीके से दिखता है। और इसमें हर तरीके का आप इसमें यू नो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो इसमें आप विजुलाइज कर सकते हो। और इसमें मैट्रिक्स भी आप प्रॉपर इसमें हर ये जो नंबर्स होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये है कंट्रीज विजुलाइज होते हैं दोस्तों, ओके। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स से आप यूज़ कर सकते हो, अगर ये यूज़ करना है तो इसको कर सकते हो, बैक कीजिए, ओके। तो डेटा सोर्स क्या होता है, आप बहुत सारे डेटा सोर्स पे कनेक्ट कर सकते हो। एक्सप्लोरर मतलब आप यूज़ द क्रिएटर बटन टू ऐड, ओके। आपने जब कुछ यू नो रिपोर्ट बनाया है तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे पास कुछ रिपोर्ट है नहीं दोस्तों, ओके। इसमें आप रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हो, आपके साथ जो शेयर किया वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें सैम्पल से ये ट्यूटोरियल रिपोर्ट है कुछ, ये देखिए इसमें आप बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हो। इसमें ये देखिए ये कौन सा रिपोर्ट है, ये डेटा स्टूडियो रिपोर्ट है, ओके। ये आई थिंक गूगल सर्च कंसोल का रिपोर्ट है, ओके। तो इसमें दोस्तों देखने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट्स मतलब हमने जो क्रिएट किए हैं, आपको डेटा सोर्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो डेटा सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि गूगल एनालिस्ट, गूगल एड्स और आपका गूगल शीट भी है। और इसमें दोस्तों 17 से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप डेटा उठा सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। सर्च है, यूट्यूब एनालिस्ट है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, गूगल एड मैनेजर है, और जो टॉप के जो यूजेबल है, जो टॉप लोग यूज़ करते हैं वो गूगल एनालिस्ट है, गूगल एड्स है और यूट्यूब एनालिस्ट है। ये जो तीनों ये है कनेक्टर है जिस ज़्यादा लोग कनेक्ट करके डेटा विजुलाइज करते हैं, डेटा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक को हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, गूगल चलो एनालिस्ट गूगल एड्स को देखते हैं, नो एनालिस्ट को देखते हैं क्योंकि एनालिस्ट में मेरा कुछ है नहीं। जब भी आपको पहले ऑथोराइज करना पड़ेगा गूगल एनालिस्ट यू नो आपका जो भी अकाउंट है, तो इसमें क्लिक करोगे। देखिए मेरे पास गूगल अकाउंट एनालिस्ट है नहीं, बिकॉज दोस्तों ये मेरा डेमो है, डेमो अकाउंट है। तो शीट में जाता हूँ, चलिए ऑथोराइज कर देता हूँ। इसमें आप गूगल शीट भी उठा सकते हो कोई भी। तो मेरे पास दोस्तों एक शीट है, देखिए ये एक शीट कहाँ से आती है, जब आप कनेक्ट करते हो ये गूगल ड्राइव से आती है। मैं आपको गूगल ड्राइव ओपन करके दिखाऊँ, देखा अभी मैं गूगल ड्राइव ओपन करूँगा इसी ईमेल आईडी से। तो जो भी शीट्स होते हैं आपके गूगल ड्राइव में होती है, और गूगल शीट एक अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो गूगल शीट सेव कहाँ पर होती है, आपके गूगल ड्राइव में। तो मैं गूगल ड्राइव ओपन करता हूँ यहाँ पर,
दिखा देता हूँ। गूगल शीट और गूगल ड्राइव अलग अलग सॉफ्टवेयर से अलग अलग एप्लीकेशन है गूगल के, लेकिन जो गूगल शीट होती है वो सेव होती है गूगल ड्राइव में। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म करके मेरा एक फॉर्म है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपके साथ किसी ने कुछ शेयर किया होगा शीट, तो यहाँ पे देख सकते हो आपने कुछ स्टारेट किया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट शीट को स्टार किया हुआ यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप यूआरएल से कोई शीट आईडी ले कोई किसी का यूआरएल से शीट ओपन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे हम एडमिशन फॉर्म में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यूज़ फर्स्ट रॉ हेडर रॉ, मतलब शीट में जो रॉ होते हैं दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ, इसमें कुछ है नहीं लेकिन आपको रॉ दिखाता हूँ। ये देखिए ये रॉ है हेडर रॉ, और ये मेरे इंक्लूड हिडन एंड फिल्टर सेल, और ये मेरे सेल है। तो सेल में मेरा क्या है वो आपको वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ तो आ जाएगा, देखो ठीक है, ये अपने आप सेव हो जाएगा तो वहाँ पे दिखेगा। आई थिंक ऐसे कुछ डाल दिया मैंने, चलिए यहाँ पे अपने आप सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। दोनों करते हैं, अब इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अगर आपको कुछ अलग यू नो रॉ चाहिए। रॉ मतलब A1 B52, मतलब ये A1 हो गया और B52 हो गया, ऐसा कुछ आपको मैनुअली करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। अभी इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस, एज, फुल नेम, ये डायमेंशन है, सिटी नंबर, टैक्स नंबर, ये नंबर से मैट्रिक्स रिकॉर्ड है, नंबर्स 122 है। ये जो मैंने किया था वो आई थिंक ये नहीं हुआ यहाँ पे। ओके ये डायमेंशन है, मतलब ये वाला रॉ है मेरा, टेम्पल, फुल नेम, ये सब है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड काउंट। ओके ओके टाइप सिटी नंबर एट टैक्स नंबर। ओके तो इसको क्रिएट रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये एक शीट में ओपन हो जाएगा रिपोर्ट के टाइप। सॉरी दोस्तों, ऐड रिपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है। हाँ मैंने अभी नाम लिखा था अजय विजय, ये आ गया यहाँ पे देखो, अजय अकाउंट, ये सब, फुल नेम, रिकॉर्ड, ये देखिए डेटा सोर्स, फुल नेम, रिकॉर्ड। ओके यहाँ पे आपको कितने रॉ चाहिए ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके यहाँ पे फुल नेम, टाइम, प्लेस, रिकॉर्ड कौन, ये भी है। आपको एड्रेस करना है तो एड्रेस यहाँ पे ले सकते हो आप अपने हिसाब से। ओके देखो ये डायरेक्ट ये आ गया, ये पूरा मैप आ गया। ओके तो दोस्तों आपको जो रिपोर्ट चाहिए यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया डेटा स्टूडियो मैक्सिमम डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा यू नो गूगल एड्स के लिए, और यूट्यूब एनालिस्ट के लिए यूज़ होता है। इसमें दोस्तों बहुत कुछ है सीखने के लिए, कैसे उसको अभी ये जो रिपोर्ट है इसको कैसे बनाया है वो भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियो पे। तो दोस्तों मेरा हर एक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।